लोकसभा चुनाव को लेकर वैश्य समाज की अहम बैठक। बैठक जिला अध्यक्ष विनोद प्रसाद की अध्यक्षता में की गई। संगठन के पदाधिकारी, बुद्धिजीवी, जन प्रतिनिधि और गणमान्य लोगों सैकड़ों की संख्या में जुटे। कहा, सीतामढ़ी व शिवहर दोनों लोकसभा सीट वैश्यों की ही थी। कहा, हमें अपने आबादी के हिसाब से भागीदारी नहीं दी जा रही। वैश्य समाज इस हकमारी को सहन नहीं करेगा। सीतामढ़ी में तैलिक साहू सभा सीतामढ़ी के द्वारा एक वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में संगठन की एक बैठक जिला अध्यक्ष विनोद प्रसाद की अध्यक्षता में की गई। बैठक में जिले के सभी प्रखंडों के संगठन के पदाधिकारी, बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोगों ने सैकड़ों की संख्या में भाग लिया और एक स्वर से आवाज बुलंद की, तैलिक वैश्यों की आबादी अकेले सभी वैश्य से अधिक है, फिर भी हमें न तो नवगठित मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है और न सीतामढ़ी व शिवहर दोनों लोकसभा सीट वैश्यों की थी, जिसे भी छीनने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, जिससे वह समाज इस हकमारी को सहन नहीं करेगा। अध्यक्ष ने कहा, हमारे समाज का 100% वोट NDA गठबंधन को जाता है, फिर भी हमें अपने आबादी के हिसाब से भागीदारी नहीं दी जा रही है। अगर समय रहते शीर्ष नेताओं द्वारा विचार नहीं किया जाता है तो हम लोग मजबूरी में और स्वतंत्र होंगे और अन्य देखे करने वालों को चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। पूरा पिछड़ा है, आपका पूरा और बहस में जान लीजिए सर। सबसे बड़ा भाई है हम, हमारे समाज को राजनीति का चटनी न पता था, अब कनका का चटने लगा। सुशील मोदी, सुनिए, सुशील मोदी का बयान आया था महागठबंधन के सरकार में, क्या आया था भाई, जब तेली को मंत्री वहां न बनाया, नहीं बना था, हर से बना दिया, सब विभाग दे दिया है, तेली को मंत्रिमंडल में भी जगह दे, इससे पहले नारायण साहू को मिला था, नहीं मिलेगा तो अब तेली समाज बिहार में बंधुआ मजबूर न है, जहाँ मिलेगा सम्मान तेली चढ़ेगा। समाज में सूरी समाज कहता है कि हमारी आबादी सीतामढ़ी में सबसे अधिक है। अच्छा बात है, देख वैसे को देख, बहस की बात कर रहा, मैं कहता हूँ सुनिए पिंटू बाबू, ठीक नहीं है, चलिए लोगों के हिसाब से दूसर बाबू के दे दीजिए ना, स्वता सिंह के दे दीजिए, और भी बहस है, बस का सीट है, बस चाहिए, अन्ना बस तो 14 सीट खत्म। सर अभी जातीय जनगणना हुआ, आदी के हिसाब से सम्मानजनक सीट अगर नहीं मिलता तो मोदी जी को जाकर के मीडिया के माध्यम से देख ले, उत्तर बिहार गायब, उनका कुर्सी हिल गई, सीधा बात है। उत्तर बिहार देना चाहता हूँ, हमारा 90% वोट जाता है, आंख मूल्य कोई खर्चा नहीं, इतने बड़ी फटाक से चल जाता है, जी की मूर्ति जो बननी है रामानिशंस काउंसिल के, वो बिहार के अध्यक्ष हैं और उनके द्वारा यहाँ का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि सीता जी का मंदिर यहाँ पे बने। उन्होंने 5 साल में ऐसा कोई भी छोटा गांव और कस्बा नहीं है, कोई बाजार नहीं है जहाँ उन्होंने स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाया है, 550 स्ट्रीट लाइट उनके रीजन में लगा है और यहाँ पे जितने भी और 226 कैंसर पीड़ित मरीजों को उन्होंने अनुदान दिलवाया है जो करोड़ों के राशि में है। ठीक है, मैं हमारी जितनी आबादी है हम उतनी ही हिस्सेदारी मांग रहे हैं, हमको ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं चाहिए। हम बैस समाज की बात करते हैं, हम बैस मरमाहत हैं, सीतामढ़ी और शिवहर से बैस का टिकट काट के सारे बैस मरमाहत हैं। उसमें बैस की जाति में तेली एक ऐसी जाति है जिसका सर्वाधिक आबादी है, 2.81 हम हैं, हमारे आबादी के हिसाब से हमारी भागीदारी चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी ने पिछले बार उनको टिकट दे के एक सम्मान देने का काम किया हुआ था, हम चाहते हैं कि NDA के हम कोर वोटर हैं, 100% वोट हम लोग NDA को देते हैं, उसके बावजूद भी एकमात्र सांसद हमारे जिनका टिकट काटने का प्रयास हो रहा है, यह इससे हम लोग नाराज़ हैं, हम लोग के कहीं ना कहीं इस पर कुठाराघात हो रहा है, हम चाहते हैं कि हमारा टिकट वापस किया जाए और हमको हम किसी व्यक्ति विशेष से हमारा कोई ये नहीं है कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं, हम अपनी टिकट की मांग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे कैंडिडेट को मिले, यही नीतीश कुमार। दैनिक चिंतन बैठक के उपलक्ष्य में आप सभी प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों को दैनिक साहू सभा सीतामढ़ी के अध्यक्ष के नाते बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ, होली मिलन का भी बहुत बहुत अग्रिम बधाई। सर अभी जो राजनीतिक परिवेश उत्पन्न हुआ है उसमें कमोबेश जो जनगणना हुआ है उसमें वैश्यों का जो जनसंख्या है ठीक उसी के आसपास सवर्णों का भी है और बैकवर्ड में यादवों का भी है, लेकिन सवर्णों को जो दिया गया है 40 सीट में कितना सीट
वो भी आकलन करने की ज़रूरत है और हम लोगों का पत्ता साफ कर दिया गया है। इससे वैश्यों में काफ़ी रोष है, हम लोगों में काफ़ी उदासी है और अंदर से गुस्सा है। वैश्यों में भी हम तैलिक वैश्य के जो समाज हैं वो सबसे अधिक में, मतलब 2.81% है हमारा, जबकि यह सही नहीं है, फिर भी अगर उसको भी मान लेते हैं तो है। तो मेरा कम से कम ना दो तो एक सीट कंफर्म था, उसको भी रहना था, जो टिक लगता है कि अभी मतलब कटने की बारी है, मतलब घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन इसीलिए हम लोग में आपस में दबाव है कि अगर हम लोगों का टिक कटता है, हमारे समाज से किसी को नहीं मिलता है, तो हम लोग यहाँ शिवहर या इधर जो भी है